नमस्ते बच्चों, अगले वाला तास हमने बहुत अच्छी तरह से समझा। सोच अपनी अपनी, ये सोच अपनी अपनी के बारे में हमें जब फिर मिलेंगे तब अभ्यास करेंगे। बच्चे अपने अपने बारे में अपने अपने विचार व्यक्त करेंगे, लेकिन अब हमारे इस बहुत रोचक और मज़ेदार कहानी के बारे में अच्छी तरह से समझेंगे। देखो, माँ कह ए कहानी, क्या इकाई का नाम है, कविता काव्य का नाम है माँ कह एक कहानी। मैथिली शरण गुप्त इनके कवि है, काव्य की रचना करने वाला कवि मैथिली शरण गुप्त। देखो, उसने बहुत अच्छी तरह से ये माँ यशोधरा और उनके बेटे राहुल के जीवन की सच्ची घटना बताई गई है। तो मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, यह उंगति चरितार्थ होती है। सही बात है, भगवान मारने वाले से बचाने वाला ईश्वर बड़ा होता है। गौतम बुद्ध के जीवन से संवाद शैली की इस कविता में गौतम बुद्ध के बचपन की एक घटना इधर उल्लेखनीय यानी बताई गई है, जिसमें उनका पुत्र राहुल माँ यशोधरा से राजकुमार सिद्धार्थ की उसी कहानी को दोहराने का आग्रह करता है, आशा रखता है। किसके पास से? माँ यशोधरा के पास से, जिससे उपयुक्त उंगति परिभाषित की गई है यानी उनके बारे में बताया गया है। देखो, बच्चा जब अपनी माँ से कहता है कि माँ मुझे एक छोटी सी कहानी सुना दे, तो माँ तो बताती है। अभी तो बच्चे ये मोबाइल पर, ये टीवी पर कार्टून्स देखते हैं, ऐसी कहानियाँ देखते हैं, कोई रामायण देखते हैं, कोई छोटा भीम देखता है। हाँ, लेकिन जब इन टेलीविज़न मोबाइल का हमारे जीवन में पहले नहीं थे, जब हम उनका उपयोग नहीं करते थे, तब पहले के समय में दादा दादी बच्चों को कहानियाँ सुना करते थे और कहानी बच्चों को बहुत अच्छी लगती है। वैसे कहानी होती है काल्पनिक, यह जो हमें बता रहे हैं माँ कह एक कहानी, वह गौतम बुद्ध के बारे में है, वह सही घटना है, लेकिन बहुत रोचक और मज़ेदार है। आप पाठ्य पुस्तक लेकर जब बैठोगे ना, तो कहानी में वैसे कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब आप उनके भावार्थ को समझोगे तब आपको अच्छा लगेगा। क्या कहता है राहुल? माँ कह एक कहानी, माँ मुझे एक छोटी सी कहानी सुना दे। बेटा, माँ ने क्या किया? बेटा, समझ लिया क्या तूने मुझको तेरी नानी? क्या कहा? मुझको अपनी नानी। सो कीधु, तू मने तारी नानी समझे छे? हूँ काई तारी नानी नथी, मने तो समय ही नथी। कहती है मुझसे यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी। कहती है मुझसे यह चेटी, चेटी यानी कौन? राज्य में रहने वाली दासी, चेटी का अर्थ है दासी। कहती है मुझसे यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी। तू नानी नहीं है, लेकिन मेरी नानी माँ की बेटी तो तू है ना, ऐसे मुझे यह दासी समझा रही है। तो कह माँ कह, लेटी ही लेटी, लेकिन राजा था या रानी, माँ कह एक कहानी, माँ मुझे एक कहानी सुनानी पड़ेगी। चाहे लेटी लेटी सुना, लेकिन एक सुंदर मुझे आज कहानी सुना दे। जिद करता है, हट करता है राहुल। तो तू है हठी मान धन मेरे, तू है हठी मान धन मेरे। माँ लाड से बच्चे को बुला रही है, मान धन, हठी यानी जिद्दी लड़का है तू बेटा, अभी हट कर रहा है, मैं आपसे कैसे कहानी सुनाऊँ, मेरे पास टाइम नहीं है। ऐसे फिर माँ कहानी भी सुनाने लगी। सुन, उपवन में बड़े सवेरे तात भ्रमण करते थे तेरे। सुन,
सांभर उपवन में बड़े सवेरे बगीचा मा तारा पिताजी सवारे वेली सवारना तात भ्रमण करते थे तेरे। तारा पिताजी त्या बगीचा मा फरता हता। शू कहे छे? बगीचा मा फरता हता। जहाँ सूर भी मन मानी त्या सरस मजानी बगीचा मा सुगंध लहराती हती। शू हतु? सुगंध लहराती हती। बीच में राहुल बोल देता है, जहाँ सुर भी मनमानी माँ, हाँ यही कहानी। शू सरस मजानी सुगंध हती बगीचा मा? हाँ माँ, हाँ आज वात मारे सांभळवी छे। आम करीने माँ पासे वार्ता करावे छे। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, जलमल कर हिम बिंदु झीले थे। क्या कहा माने? वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, जलमल कर हिम बिंदु झीले थे। बहुत तरह तरह के बाग में फूल भी खिले हुए थे और जलमल हिम बिंदु। आप देखते होंगे हिम वर्षा जब होती है, अभी ठंडी का मौसम है, तो ये पेड़ के ऊपर पानी की बूंदें जम जाती हैं, वह क्या होता है? हिम बिंदु, ओस की बूंदे। ऐसा सुंदर वातावरण था, बाग में बहुत सारे फूल खिले थे और जलमल कर यानी बूंदे पानी की चमक रही थी, हल्के झोंके हिले मिले थे। क्या कहा? हल्के हल्के हवा के झोंके भी अच्छी तरह से हिल मिल रहे थे। लहराता था पानी, लहराता था पानी। ऐसा सुंदर वातावरण था, बाग में फूल खिले थे और ऐसे हिम बिंदु पानी के टपक रहे थे और हवा के झोंके थे, वृक्ष में से लहराता था पानी। आपके पिताजी बाग में भ्रमण कर रहे थे, लेकिन बगीचे के वातावरण की माँ बात बता रही है। कहानी सुन राहुल बीच में बोलता है, लहराता था पानी? क्या भा पानी भी लहराता था? हाँ हाँ यही कहानी। हाँ माँ यही कहानी मुझे सुननी थी। गाते थे खग कल कल स्वर में। माने क्या कहा? खग यानी पक्षी। कल कल स्वर में बाग में कई पक्षी गीत गा रहे थे। सहसा एक हंस ऊपर से गिरा। सहसा अचानक पेड़ के ऊपर से एक हंस गिरा। बिदध होकर खग सर से। बिदध घायल होकर खग यानी पक्षी सर से यानी बाण, उनको तीर लगा हुआ था। ऐसे उनकी पंख में तीर लगा हुआ था, तेरे पिताजी के ऊपर आकर नीचे ऐसे गिरा। उनके पिताजी भ्रमण कर रहे थे, वृक्ष के ऊपर से एक घायल पक्षी नीचे गिरा, हुई पक्ष की हानि। उनके पंख में तीर लगा हुआ था, फिर उनके पंख में तीर लगा इसलिए वह नीचे गिरा और हानि हुई। फिर तो वह राहुल क्या बोला? हुई पक्ष की हानि? अरे माँ, उनके पंख में भी लगा हुआ था। करुणा भरी कहानी। क्या बोला? ये तो बहुत दर्द भरी कहानी हो गई। वैसे ये वातावरण की बात बताई तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन पक्षी गिरा, उनके ये से पंख में तीर लगा हुआ था, यह सुनकर करुणा भरी कहानी बनी गई। चोक उन्होंने उसे उठाया, तेरे पिताजी ने पक्षी को देखा, जल्दी से उनको उठा लिया, पक्षी को उठाया, नया जन्म सा उसने पाया। पक्षी को लगा मुझे नया जीवन मिला, किसी ने तीर लगाया लेकिन उसके पिताश्री ने गोद में उठा लिया, तो पक्षी को नया जन्म मिल गया, थोड़ी शांति मिल गई। इतने में आंखें टकाया। इतने में कौन आ गया? आंखें टक यानी शिकारी। जिस शिकारी ने तीर चलाया था वह उधर जल्दी से आ गया। लक्ष्य सिद्धि का माने, उसको लगा मैंने लक्ष्य निशाना लगाया, वह पक्षी को लगा और हंस नीचे गिरा, तो वह तो अपना शिकार लेने के लिए जल्दी से आ पहुंचा।
लेकिन किसने उठा लिया था? राहुल के पिताजी ने हंस को गोद में उठा लिया था। लक्ष्य सिद्धि का मानी, राहुल बोला, अरे उनका लक्ष्य लग गया तो वह मनमानी करता, अभिमान करता हुआ आया। कोमल कठिन कहानी, अरे माँ ये तो गंभीर भरी कहानी हो गई, अब तो दोनों में बातचीत होने लगी। मांगा उसने आहत पक्षी, किसने मांगा? शिकारी ने उस राजा के पास से, उस व्यक्ति के पास से आहत घायल हुआ पक्षी मांग लिया। तेरे तात किंतु थे रक्षी, क्या कहा? तेरे पिताजी लेकिन रक्षक थे। तेरे पिताजी ने तो हंस की रक्षा की, शिकारी ने तीर चलाया, तो तब उसने जो था खग बक्षी हठ करने की ठानी। जिस शिकारी ये खग बक्षी यानी पक्षी को खाने वाला था वह हठ करने लगा, जिद करने लगा, मैंने तीर चलाया है, ये पक्षी तो मेरा हो गया। लेकिन तेरे पिताजी तो रक्षक थे, वह तो पक्षी को रक्षा करना चाहता था, इसलिए वह दोनों के बीच में बातचीत होने लगी। राहुल बीच में बोला, हठ करने की ठानी, क्या दोनों जिद करने लगे? अब तो बढ़ चली कहानी, अरे ये तो आगे बढ़ने लगी कहानी, दोनों में बातचीत होने लगी। हुआ विवाद सदय निर्दय में, दोनों के बात में निर्दय और सदय, एक पापी जो ऐसे खाने वाला था, एक रक्षक जो बचाने वाला था, दोनों के बीच में उभय आग्रही थे स्व विषय में, उभय आग्रही थे स्व विषय में, अपने अपने विषय में दोनों तो क्या होने लगा, सही बात बताने लगा। वह बचाने वाला बोलता है उनके पिताजी राहुल के कि ये पक्षी मेरा है। शिकारी दौड़कर आया, बोलता है पक्षी मेरा है। गई बात तब न्यायालय में, दोनों तो झगड़ा झगड़ी करने लगे, दोनों पक्षी को छोड़ते ही नहीं हैं। अब तो बात बढ़ी और कहाँ गई, न्यायालय में। सुनी सभी ने जानी, न्यायालय में जाकर सब बात बताई। ऐसे में भ्रमण कर रहा था, सुंदर वातावरण था, ऊपर से एक खग पक्षी गिरा, मैंने उनको उठा लिया तो पक्षी मेरा हो गया। राहुल के पिताजी कहते हैं कि पक्षी मेरा हो गया, और जो शिकारी था वो कहने लगा पक्षी मेरा हो गया। अब बात कहाँ पहुँच गई, न्यायालय में पहुँच गई। सुनी सभी ने जानी, राहुल क्या बोला, अरे सबने बात सुनी और सबने जानी भी, तो व्यापक हुई कहानी, ये कहानी तो सब में फैल गई, सारे लोगों को पता चल गया। न्यायाधीश में गई तो सबको पता चल गया, राहुल तू निर्णय कर इसका। अब न्यायालय में तो जो बात हो गई, लेकिन माँ यशोधरा राहुल से प्रश्न करती है कि राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका, तू किसका न्याय लेगा, तू किसका पक्ष लेगा, तू न्यायाधीश बन जा और मुझे जवाब दे। कह दे निर्भय जय हो जिसका, सुन लूं तेरी बानी। क्या कहा, तू निर्भय बनकर निडर बनकर मुझे बता दे कि किसके पक्ष में तू रहता है। तो राहुल क्या बोला, माँ मेरी क्या बानी, माँ मुझे क्या पता, मैं तो कहानी सुन रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ कहानी, माँ मुझे क्या पता, मैं तो कहानी सुन रहा हूँ, मैं थोड़ा न्यायाधीश हूँ तो मैं तुझे बताऊँ। फिर भी राहुल बताता है कि कोई नीर अपराध को मारे तो क्यों दूसरे उसे न उबारे। क्या कहा, कोई नीर अपराध को मारे, पक्षी तो कैसा था, अपराधी नहीं था, नीर अपराधी था, निर्दोष था बेचारा, तो क्यों दूसरा उसे न उबारे। कोई व्यक्ति क्या उनको उबारे नहीं, क्या उनको कोई बचाए नहीं, तो मेरे पिताजी ने तो उनकी रक्षा की, मेरे पिताजी ने तो पक्षी को बचाया। रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी। रक्षक पर भक्षक को, रक्षण करने वाला है
वह भक्षक को यानी भक्षण पक्षी खाने वाले को वारता है, मना करता है, ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। न्याय दया का दानी, न्यायाधीश हमेशा दयावान होता है। न्यायाधीश दया के ही पात्र होते हैं। तो मैं तो कहता हूँ कि मेरे पिताजी रक्षक थे और शिकारी है ये भक्षक था, तो राहुल ने किसका पक्ष ले लिया? उनके पिताजी का, क्योंकि वह हंस को बचाना चाहता था। न्याय दया का दानी, अब कौन बोला? माँ बोली, माँ यशोधरा बोली कि क्या न्यायाधीश दयावान होता है? तूने सुनी कहानी। हाँ राहुल, तूने बहुत अच्छी तरह से कहानी सुनी और समझी भी। तूने पक्ष किसका लिया? न्यायाधीश का, यानी तेरे पिताजी तो बचाने वाला था हंस को, इसलिए उसके पिताजी ने हंस की रक्षा। बहुत मज़ेदार और रोचक कहानी है, वैसे छोटे छोटे पंक्तियों में बताई गई है, लेकिन मुझे ये यशोधरा और राहुल वाली जो कहानी है बहुत अच्छी लगती है। आप भी उनके छोटे छोटे शब्द हैं ना, उसमें जो शब्दार्थ हैं उनके भाव समझ लोगे तो बहुत अच्छी तरह से समझ पाओगे। अब आप होमवर्क में इनके जो शब्दार्थ दिए गए हैं वह भी आप पहले लिख लेना। हम कैसे पहले लिखते थे कि इकाई के नाम लिखते हैं, शब्दार्थ लिखते हैं, फिर जो हमारे अभ्यास में दिए गए प्रश्न हैं वह भी आप बहुत अच्छी तरह से समझकर उसमें लिख लेना। नमस्ते।